देहरादून में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ सीएम धामी ने बैठक की। ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई और ये उजरंग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे उत्तराखंड में, उनकी मुलाकात पुष्कर सिंह धामी के साथ में और ये तस्वीरें दोनों की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त। जब उत्तराखंड में पहुंचे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल देहरादून में मनोहर लाल के साथ में सीएम धामी की बैठक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और बात करें अगर ऊर्जा शहरी विकास मुद्दों पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा भी हुई है। तो देखिए ऊर्जा शहरी विकास मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई, उस दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, दोनों नेताओं की मुलाकात में जाहिर तौर पर अन्य क्षेत्रों के विषय पर भी बातचीत हुई है ताकि किस तरीके से बेहतर कार्य किया जा सकते हैं। तो वहीं इस दौरान देहरादून में क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, यहां पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही गई। सीएम धामी के साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इसमें शामिल हुए। सीएम धामी के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी गई। ये तस्वीर उस वक्त की जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई मायनों में कार्य समिति की बैठक बेहद ज्यादा खास थी। किस तरीके से अब आगे बढ़ना है इसको लेकर के रणनीतियां यहाँ पर बनी और खासतौर पर जो बाई इलेक्शन हुए हैं 2 सीट पर, उसके जो नतीजे सामने आए, कहाँ कमी रह गई है, कैसे अब आगे बढ़ना है इसको लेकर के भी चर्चा हुई। किस तरीके से उन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड जीरो पर मजबूती मिले, ये तमाम जो मंत्र हैं वो कार्यकर्ताओं को दिए गए। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तराखंड में अच्छा रहा, सभी सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन बाई इलेक्शन में उस तरीके का प्रदर्शन पार्टी नहीं कर पाई। तो अब आगे कैसे बढ़ना है इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। और जब ये बैठक हुई तो इसमें इसको लेकर के रणनीति बनी। अब संभव है कि आने वाले दिनों में ऐसी और बैठकें भी हमें प्रदेश में देखने को